कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एन इक्वल टू जीरो, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू 5 to 100। एन का जो वैल्यू है नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 100 तक। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। देखो इस इक्वेशन का इंटीग्रल रूट होने के लिए एन का कितना टोटल डिफरेंट वैल्यूज होगा, ये 4 ऑप्शन है, और एन का वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यू होगा वो 5 से 100 के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्लोज ब्रैकेट मतलब 5 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। तो देखो ऑप्शन है 4, 6, 8 और 3। तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इंटीग्रल रूट होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, इंटीग्रल रूट होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर जितना होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए न्यूमरेटर, ये होना चाहिए। देखो कैसे होगा, एक्स इक्वल टू लिखते हैं माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 × 1 × -n, तो प्लस 4n हो जाएगा ना, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 2a मतलब 2। तो देखो x का जो वैल्यू होगा वो 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस n होगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 से कॉमन लेकर डिवाइड हो गया। अब देखो डिवाइड में कुछ है ना ऐसा, तो सारा ऊपर ही आ रहा है, और x का वैल्यू इंटीजर होने के लिए क्योंकि इंटीग्रल रूट है, तो इंटीग्रल होने के लिए जो 1 प्लस एन है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होगा तभी वो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ लिखते हैं कि n1 प्लस n शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये होना चाहिए। तो देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या क्या पॉसिबल है, तो 1 प्लस n का वैल्यू ले सकते हैं, एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या, 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25, उसके बाद 36, 49, 64, 81 एंड 100 होगा, उसके बाद नहीं जाना है। तो n का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, n का वैल्यू तो ये जो 0 है इससे तो माइनस 1 आ जाएगा ना, तो n का वैल्यू ये नहीं लेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ दिया हुआ नेचुरल नंबर है तो ये भी नहीं होगा, इससे भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, n का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ से n का वैल्यू 8 आएगा, यहाँ से 15 आएगा, 24 आएगा, 35 आएगा, 48 आएगा, 63 आएगा, 80 आ जाएगा और 99 आएगा। अगर 121 लेते तो n का वैल्यू 120 आता, लेकिन यहाँ 5 से लेकर 100 तक बताना है तो n का वैल्यू 5 से 100 तक ही होना चाहिए, तो कौन सा होगा, ये 3 तो गया ना, क्योंकि 5 से 100 के बीच में 3 नहीं आ रहा है। देखो n का वैल्यू काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यू n का है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू n का कितना हो जाएगा, 8, तो सी ऑप्शन हो गया। है समझ में कि इंटीग्रल रूट का कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, अगर 2 लेके नहीं करता, डिवाइड में 2 होता तो ऊपर में दोनों का दोनों, जैसे माइनस 1 ऑड है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए 1 प्लस एन, तो ये इंटीग्रल रूट का कंडीशन ये सब होता है, ठीक है। चलो